वही जनपद हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सीसीआर भवन में कावड़ मेले की समीक्षा बैठक की गई। आयोजित समीक्षा बैठक में सीएम धामी द्वारा आगामी कावड़ मेले को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। इस दौरान बैठक में रानीपुर विधायक आदेश चौहान, रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा, पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, डीजीपी अभिनव कुमार सहित जिले के आला अधिकारी मौजूद रहे। उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ अवनीश जैन की रिपोर्ट। कावड़ मेला हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ा मेला होता है, जिसमें कई करोड़ लोगों की शिवभक्त कावड़ियों का आगमन होता है। पिछले वर्ष भी 4 करोड़ से ज़्यादा लोग आए थे, इस वर्ष भी बड़ी संख्या में आने का अनुमान है। सभी शिवभक्त कावड़ियों का हम देवभूमि उत्तराखंड हरिद्वार आगमन पर सबका स्वागत करते हैं, सबका अभिनंदन करते हैं और उनकी यात्रा अच्छी हो, किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, हर प्रकार से यात्रा सहज सरल से सरल हो, उसके निमित्त आज यहाँ पर बैठक की गई है। सभी विभागों को अपने अपने विभागों को दुरुस्त करने का, जो कमियाँ हैं उसको दूर करने का, पिछले साल की जो अनुभव हैं उनको देखते हुए इस साल और अच्छी व्यवस्था हो, हर प्रकार के इंतजाम अच्छा हो, सभी एक विभाग एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन करें। आज समीक्षा इस बात की।